know what is momo. I got introduced to a concept of momos here. आंटी जी तो बस famous हो गई वहाँ की छोटी सी दुकान आंटी का आगे. Proud feeling होता है कि start किया लेकिन कितने लोग रोटी खा रहे इसके पीछे. From a migrant dish to a city staple. The adaptable momos have oozed their goodness into the street food culture across North India. 1995-99 In Delhi NCR, it was Dolma Aunty who pioneered it. 94 से मैंने स्टार्ट किया था, तब तो कोई मोमो, लोगों को मोमो पता ही नहीं मोमो क्या होते हैं और मोमो के बारे में भी पता ही नहीं है. जैसे मैं बेचने लग गया तो लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ बेच रहे हो जो नहीं पका. सो आई डिड नॉट नो व्हाट इज मोमो. आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ कांसेप्ट ऑफ मोमोज हियर, राइट? दिस इज व्हाट अ मोमो टू मी इज. फ्रॉम स्टार्टिंग अ स्मॉल स्टॉल इन 1994, Dolma Aunty इज नाउ अ ब्रांड फॉर दिल्लीआइट्स. और अच्छा भगवान ने देखो, इंसान बोलते ना नियत साफ हो तो मंजिल आसान होती है. इनका वही हिसाब हमने खुद आंखों से देखा. Dolma Aunty used to be next to a incense, a shop store, like a clothing store, and really used to struggle, right? So she'll come in the evening for a couple of hours and then people will just come then. And then from there on she has really flourished, right? तो आपको कैसा लगता है कि जब दिल्ली में किसी को पता नहीं था, अब दिल्ली में हर लोगों को पता है? थोड़ा सा प्राउड फीलिंग होता है कि स्टार्ट किया लेकिन कितने लोग रोटी खा रहे इसके पीछे. बहुत लोग को रोटी मिल रहा है. जैसे आजकल खल गरी में मोमो, अल गरी में, और जहाँ भी देखो मोमो ही मोमो होते हैं. तो चलो ठीक है, ऊपर वाला अच्छा है तो सबका ही चल जाए. But as she built a name for her efforts, others reaped the benefits. जब आप देखते हैं कि आपका नाम का इस्तेमाल करते हैं बाकी लोग, तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है? हाँ, बुरा लगता है क्योंकि है ना, जिसका नाम है वही. आप जैसे हमने नाम इतना मेहनत से कमाया. On March 6, Dolma Sharing won the trademark titled Dolma Aunty Momos, contesting that someone registered her namesake in 2018. इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि मैंने ट्रेडमार्क ऐसे करूं, ये करूं, कभी सोचा नहीं था. अच्छा, जब बाद में थोड़ा सा मतलब मेरा नाम होने लग गया, लोग को पसंद आया तो मेरा नाम चलने लगे, तो फिर सब लोग ने बोला कि मेरा बेटा थोड़ा पढ़ के आया, उन्होंने बोला कि बेटा मम्मी ऐसे करो, ट्रेडमार्क अपने नाम होना ज़रूरी है क्योंकि अपनी चीज़ को फिर कोई और संभाल करेगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा. तो वो लोग कोई और माल बेचेगा तो फिर नाम ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है. तो फिर हमने अप्लाई करने की कोशिश किया था लेकिन उस टाइम पर किसी और ने करा हुआ था. Now Dolma Aunty doesn't need to tell her own story. Other migrant vendors whose entrepreneurial spirit she has nurtured do that for her. And even a trademark cannot secure a loyalty that's bonded everybody's hope together.